हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सर सीवी रमन टैलेंट सर्च के एक नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 से लेकर के 15 तक के क्वेश्चन का डिस्कस कर चुके हैं, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिए। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर आगे के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अभी जो चल रहा है हमारा चैप्टर है वह प्रकाश का प्रावर्तन चैप्टर चल रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को अभी हम देख रहे हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे जो कि नेक्स्ट चैप्टर का होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन गिवन है समतल, उत्तल, अवतल, कोई नहीं, किस दर्पण से छोटा प्रतिबिंब हमेशा छोटा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब कौन से दर्पण में बनेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण जो के ध्रुव और फोकस के बीच जब वस्तु को रखा जाता है तो प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के प्रावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के प्रावर्तन के 2 नियम होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाएगी। देखिए, जब विरल माध्यम हुआ हवा और कांच हुआ सघन माध्यम, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में मुड़ता है जाता है तो वो अभिलंब की दिशा में मुड़ता है, अभिलंब के निकट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिलंब के निकट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो आपको याद रखना है, फोटोग्राफी कैमरा हो या कोई भी सूक्ष्मदर्शी हो, इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और मानव के नेत्र में भी उत्तल लेंस होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का 21 नंबर क्वेश्चन है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो आंसर बी हो जाएगा, उत्तल दर्पण। राइट आंसर होगा उत्तल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तो उसकी वक्ता त्रिज्या क्या होगी। तो आपको याद रखना है, फोकस जो होता है वो वक्ता त्रिज्या के आधी होती है। तो फोकस 10 है तो वक्ता त्रिज्या दोगुना हो जाएगा, 10 × 20 सेंटीमीटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे निर्गत किरण दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो अभी आपको बताए थे, फोटो कैमरा हो या सरल सूक्ष्मदर्शी हो, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उत्तल लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का 25 नंबर क्वेश्चन है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वह है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस किस लेंस के द्वारा, ध्यान दीजिए यहाँ दर्पण है, लेंस पूछ रहा है, इसलिए लेंस में हो जाएगा अवतल लेंस। अगर दर्पण होता तो उत्तल दर्पण। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का 26 नंबर क्वेश्चन है, प्रावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। प्रावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है। तो 2 नियम आपको बता चुके हैं इसे पहले ऑब्जेक्टिव में, 2 नियम होते हैं। तो दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण हमेशा प्रावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब, तो आपको याद रखना है काल्पनिक या आभासी दोनों जो होता है सीधा होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, और यहीं से आप जान लीजिए वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो दर्पण में फोकस एक होता है, वक्ता त्रिज्या भी एक होती है, लेकिन लेंस में फोकस और वक्ता त्रिज्या 2 होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर्च लाइट का प्रावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का प्रावर्तक सतह होता है अवतल, साइड मिरर होता है उत्तल, और प्रावर्तक सतह सर्च लाइट का होता है अवतल। राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का 30 नंबर क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो आपको इससे पहले वाले ऑब्जेक्टिव बताया है कि अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, जिसके कारण दाढ़ी जो है छोटा छोटा दाढ़ी बड़ा दिखाई देता है। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आंसर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी।
एक डायोप्टर है तो ध्यान दीजिए यहाँ P बराबर हो जाएगा 1/F, तो एक यहाँ पे रखेंगे तो F का मान हो जाएगा एक, इसको मीटर, अगर इसको सेंटीमीटर में हम देखेंगे तो 100 से गुना करेंगे प्लस 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले के वाले वीडियो में हमने फॉर्मूला के हिसाब से पूरा डिस्कस कर चुके हैं कैसे निकाला जाता है इसका लेंस की क्षमता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का 32 नंबर प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेमी है तथा दर्पण तथा लेंस संभवतः है। ध्यान दीजिए, लेंस गोलीय लेंस और पतले गोलीय दर्पण दोनों की फोकस दूरी -15 है, मतलब निगेटिव है। तो निगेटिव है तो राइट आंसर हो जाएगा अवतल, क्योंकि अवतल दर्पण का भी निगेटिव होता है और अवतल लेंस का भी फोकस निगेटिव होता है, माइनस में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवतल, दोनों अवतल होगा। चलिए आज के 33 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हो, परावर्तन हो या अपवर्तन, दोनों के दो नियम होता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है, तो स्नेल साहब दिए थे माध्यम के अपवर्तनांक का मान म्यू बराबर होता है साइन आई बटे साइन आर, तो ऑप्शन ए में आप देख रहे हैं साइन आई बटे साइन आर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के 35 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस जो होता है वो त्रिनेत्र, शंकर भगवान के त्रिनेत्र जैसा होता है, जो कि बीच में मोटा होता है और साइड में किनारे में पतला होता है। तो राइट आंसर देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद।